कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अमित पंघाल, आपके पंघाल फिटनेस पे। तो जैसे आपको पता है 60 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है फैट टू फिट पंघाल फिटनेस पे, और हमारा डे वन का वीडियो शूट हो चुका था आप लोगों के साथ चेस्ट एंड एब्स। तो आपके मैसेज आ रहे हैं कि तीन तीन दिन में वीडियोज आएंगी हर 3 डेज में। तो अब डे सेकेंड, डे थर्ड एंड डे फोर्थ, क्योंकि डे वाइज करेंगे, 60 डेज हैं तो अपने डेज आप जोड़ लें उसमें, मंडे ट्यूसडे वेनसडे। मैं डेज लेके चलूँगा, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर। तो आज तीन बॉडी पार्ट मैं इकट्ठे करके दिखाऊंगा, आपको नहीं करने इकट्ठे लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। उसका रीज़न ये है, मैं नहीं चाहता किसी का पोस्चर ख़राब हो, कोई गलत वर्कआउट करे और किसी को कोई इंजरी हो जाए। तो मैं वर्कआउट करके दिखाऊंगा, आप नोटिस करना, इंसान देखने से ज़्यादा सीखता है। तो मैं वर्कआउट करूंगा अभी आपका डे टू, डे थ्री एंड डे फोर। आपका डे टू होगा बैक एंड कार्डियो, आपका डे थ्री होगा शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, आपका डे फोर होगा बाइसेप्स एंड एब्स। और जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि 21 दिन 3 वीक्स में आपके डाइट चार्ट चेंज होगा और आपका शेड्यूल चेंज होगा। और एक और बात, जो उसमें डाइट थी वो क्लियर नहीं दिख रही थी, इस वीडियो में आपको डाइट भी दिख रही है साइड में और आपका शेड्यूल भी क्लियर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 5-6 कंपनियों को लेकर चलेंगे, कोई एक कंपनी का प्रमोशन नहीं चलेगा। तो सबको बताऊंगा जो सस्ता अच्छा जो आपको चाहिए, जो सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं वो बता दूंगा, हर प्राइस की चीज़ें होंगी काफ़ी। आई थिंक 3-4 कंपनी तो कम से कम लेके चलेंगे, उनमें से मैं बता दूंगा आपको, जो कंफर्टेबल लगे वो यूज़ कर लेना। ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं लेके चलेंगे, लेकिन 2-3 तो लेने ही पड़ेंगे क्योंकि आपको रिप्ड होना है। फैट टू फिट सीरीज है, फिट मतलब एक अच्छा दिखना, एक ऐसा दिखना। क्या हो गया भाई, एब्स बना रहा है, तो ये कोई फिट नहीं होता। फिट होता है आप कपड़े में भी अच्छे दिखें, और जब कपड़े उतारे तो माइंड ब्लोइंग दिखें, क्योंकि पर्सनैलिटी कपड़ों में भी दिखनी चाहिए, लड़का लगे कि यार हाँ लड़का देखा है। मतलब बिल्कुल ही कमजोर कमजोर से ऐसी ये बिल्कुल रहती सूखे हुए बदल, ये कोई कटिंग नहीं होती। तो मैं आपको वर्कआउट करके दिखा रहा हूँ, आप लोग फॉलो करें, मैं बहुत प्यार करता हूँ आप सबसे, और जल्दी ही फिट हो जाएं। उसका रीज़न है फिट होने का, क्योंकि एक ही लाइफ है, उसी में हमें अच्छा दिखना है। तो मोटिवेट रहें, आपको सब गिराएंगे लेकिन आपको गिरना नहीं, अच्छी सोच रखनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका वर्कआउट, डे टू, डे थ्री एंड डे फोर, लेट्स गो। डे सेकंड कर रहे हैं बैक प्लस कार्डियो, पुलअप्स कर रहे हैं 4 सेट्स 12 रिपीटेशन। पोजीशन आप देख लें, ग्रिप बिल्कुल टाइट पकड़ें जब भी पुलअप्स करें, क्योंकि ग्रिप का हर एक्सरसाइज में बहुत बड़ा रोल है। आप कर रहे हैं इसके बाद हम क्लोज ग्रिप फ्रंट लैट पुली, 4 सेट्स करेंगे, 15 रिपीटेशन करेंगे। पोजीशन आपको दिख रही है, ऑल्टरनेट एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि सीरीज फैट टू फिट है। और इसके बाद हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज आपकी लैट पुली बैक वाइड ग्रिप, 4 सेट्स करेंगे उसके भी। और जिनको बैक की प्रॉब्लम है या स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है वो लैट पुली बैक ग्रिप वाइड ग्रिप को नहीं करेंगे। 4 सेट्स 15 रिपीटेशन करेंगे, वाइड ग्रिप होगी। पोजीशन आपको दिख रही है, डाउन, और एक्सरसाइज पूरे मोटिवेट होके करें क्योंकि साथ वाले हमेशा कहते हैं नहीं होगा नहीं होगा, तो आपको फिट होना है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। और ऑल्टरनेट इसकी करेंगे सीटेड ड्राइंग, ग्रिप देख लें, कई थंब को अंदर से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ना है थंब आउटर,
ग्रिप बिल्कुल टाइट। फोर सेट्स करेंगे सीटेड रोइंग के, 17 रेपिटेशन की। जब पीछे जाएंगे तो होल्ड करेंगे पीछे एक सेकेंड, स्क्वीज और ब्रीद आउट। ए इसके बाद हम करेंगे सिंगल सिंगल एक्सरसाइज, वो अल्टरनेट नहीं जो इसके बाद करेंगे। वन आर्म डंबल रो, फोर सेट्स करेंगे, 17 रेपिटेशन के होंगे। ग्रिप टाइट पकड़ने देख लें और जोर जोर से ना ले जाएं, कईयों का देखा होगा जोर से झटके मारते, नहीं बिल्कुल स्लो जाना है। ऊपर जाके ब्रीद आउट और मसल को स्क्वीज करना है। गुड, ये लड़का अपना फेवरेट है। गुड, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों मेहनत ही है। मेहनत पे यकीन रखें और आगे बढ़ते रहें, आपको गिराने वाले लाखों मिलेंगे। तो साइड चेंज करें, ब्रीथ आउट देखें, स्क्वीज। ये अब इसके बाद हम करेंगे अपराइट बारबल रो, ये आपके शोल्डर में भी यूज़ होती है और आपकी बैक में भी, दोनों में यूज़ कर सकते हैं हम अपराइट रो को, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली से शोल्डर में ही यूज़ करते हैं। पोजीशन देख ले, ग्रिप बिल्कुल टाइट, हर चीज़ की ग्रिप देखें। ब्रीद आउट ऊपर, स्लो डाउन, जर्क बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कईयों को देखा होगा नीज़ से पावर लेते हैं, बैंड करते हैं फिर सीधे होते हैं, वो ना करें। लाइटली बैंड कर लें नीज़ को और स्लो करें एक्सरसाइज। बैक का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, अब आपको कार्डियो करना है 15 मिनट्स। हमें कार्डियो तो आपको कार्डियो करना है सिंपल नॉर्मल, स्पीड ब्रिज वॉक करें, अब तेज़ चल रहा है, रनिंग नहीं करनी है, ब्रिज वॉक करनी है 15 मिनट्स। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका शोल्डर एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट, क्योंकि मुझे 3 वर्कआउट करके दिखाना है आपको, और आपका डे सेकेंड है बैक एंड कार्डियो। अब डे थर्ड शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, डे फोर्थ बाइसेप्स एंड एब्स। तो जल्दी करते हैं और पोजिशन आपने देख ली होगी। वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है आपका डे थर्ड, ग्रिप देख लें, शोल्डर ओवरहेड प्रेस की फ्रंट प्रेस देख लें, फ्रंट बारबल, हाँ जी ये ग्रिप। फोर सेट्स करेंगे, 12 रेपिटेशन करेंगे। पोजीशन आपको दिख रही है, इस वर्कआउट को अल्टरनेट नहीं करेंगे हम, सिंगल सिंगल करेंगे। आपको पोजीशन देख लें करेक्ट साइड से, इसको अलग अलग इसलिए करेंगे क्योंकि शोल्डर मोस्टली इंडियन में छोटे पाए जाते हैं, जो आपके डेल्टॉइड होते हैं, और शोल्डर से ही पर्सनैलिटी बनती है। जब हम टी शर्ट पहनते हैं तो आउटर में शोल्डर ही दिखते हैं। अब कर रहे हैं लेटरल रेजेस, 5 सेट्स 15 रेपिटेशन, हाँ जी। पोजीशन देख लें, बिल्कुल जाके नीचे टच करके रेस्ट ना करें, क्योंकि कईयों को देखा है लेग्स पे डंबल्स को रेस्ट देते हैं, रेस्ट ना दें, हाँ जी। ये ऊपर कोशिश करें 1 सेकेंड का होल्ड हो। अब कर रहे हैं फ्रंट रेजेस, 4 सेट्स 15 रेपिटेशन। एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए आपके जो फ्रंट में डेल्टॉइड दिखता है, हाँ जी, और जो आपकी चेस्ट आप कहते हैं साइड से अजीब सी होती है, तो उस पर भी अच्छा हो जाएगा। 4 सेट्स करने हैं, 15 रेपिटेशन करने हैं। अब आपकी बारबल अपराइट, जैसे कि मैंने कहा था शोल्डर और बैक में यूज़ होती है आपकी बारबल अपराइट, तो 4 सेट्स करेंगे, 15 रेपिटेशन करेंगे। ग्रिप बिल्कुल टाइट रखें और स्लो, क्योंकि जर्क हमें बिल्कुल नहीं करना है, हाँ जी। ये अब ग्रिप देख लें, अब हम कर रहे हैं बारबल श्रग्स, बारबल से कर रहे हैं अपनी श्रग्स, और 4 सेट्स हैं, 12 to 15 रेपिटेशन करेंगे। बस इसमें पोजीशन का ध्यान रखें, कईयों को देखा वेट ज़्यादा, ज़्यादा भी ना हो, मतलब हैवी हो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आपसे रेपिटेशन हो नहीं रहे और आपके एल्बो बैंड हो रही हैं। एल्बो को स्ट्रेट, ट्रैप्स, स्क्वीज, ऊपर जाके स्लो डाउन, यस। तो आपको पोजीशन देख लिया आपने। इसके बाद हम करेंगे 1 सेट पुशअप्स अप टू फेलियर, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए 20 रेपिटेशन है,
और जो थोड़े एडवांस हैं वो फेलियर करेंगे मेरे, आई थिंक इस टाइम 50 में तो फेलियर हो ही जाएंगे, ये पोजिशन आपकी पुशअप्स की अप टू फेलियर, क्योंकि आपके डेल्टॉइड ट्रैप्स इस टाइम टारगेट पे हैं। हाँ जी, ये और ये एक्सरसाइज है जिनसे पुशअप्स हो नहीं पाते, नीज को रख लें जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि करना है, हार तो माननी नहीं है ज़िंदगी में, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट हो गया हमारा, अब हम ट्राइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप लोग देखें और सेट रेपिटेशन आपको साइड साइड में दिख रहे हैं, डाइट और आपके शेड्यूल आपको दे चुका हूँ, बस आप पोजीशन नोटिस करें क्योंकि देखने से हम अच्छा सीख जाते हैं, तो ठीक है, और कोई इंजरी ना करवा लें और फिट हो जाएं। 60 डेज का चैलेंज है। ट्राइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हैं, ट्राइसेप्स फुली पुश डाउन, 4 सेट्स, 15 रेपिटेशन, और नीचे जाके स्क्वीज़ करेंगे। कईयों को देखा है सिर्फ ट्राइसेप्स करते रहते हैं, वैसे ना करें, मसल को स्क्वीज़ करें, क्योंकि जब तक मसल ब्रेक डाउन अच्छी तरह आप जिम में करेंगे नहीं तो रिपेयर होंगी नहीं। जिम करने का मतलब है कि आप बहुत अच्छा वर्कआउट करके बाहर जाएं कि लगे हमने कुछ किया है। सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं लाइंग ट्राइसेप्स, ईजी बार से 4 सेट्स और 12 रेपिटेशन। लाइंग ट्राइसेप्स को देख लें, एल्बो को जितना हो सके अंदर रखें, आउटर में नहीं लाना है, ऊपर जाके वही मसल को स्क्वीज़ करना है। एक अच्छी बॉडी बनाने का मंत्र ये है कि वो मसल को ऊपर जाके स्क्वीज़ करें, जिस पोजीशन में हो उस मसल को, पूरा ध्यान उस मसल पे जाए आपका। एक अच्छी बॉडी ना बनने का कारण ये है, हम मसल को स्क्वीज़ नहीं करते, बातें करते रहते जिम में। अब थर्ड एक्सरसाइज करें किक बैक, 4 सेट्स 15 रेपिटेशन, क्योंकि एक ही बारे में शूट कर रहा हूँ तो अलग से भी। हाँ जी, ये पोजीशन देख लें, ऊपर जाके वही स्क्वीज, गुड। आपको ट्राइसेप्स दिख रही है ऐसे, हाँ। अब कर रहे हैं हम ओनली 1 सेट, 25 रेपिटेशन आपके बेंच डिप्स के, वही मसल को ऊपर जाके स्क्वीज़ करना है। सबसे बड़ा मंत्र है बॉडी बनाने का, फिट होने का। जी, ऊपर जाएंगे, ब्रीथ आउट, आपको ट्राइसेप्स दिख रही है, और हाथों को ज़्यादा चौड़ा ना करें, अपने शोल्डर से थोड़े से बाहर बस। अब हमने स्टार्ट कर दिया है आपकी 4th डे की एक्सरसाइज, थर्सडे, मतलब इसमें डे ना याद करें, थर्सडे जो भी आपको सूटेबल हो। बाइसेप्स एंड एब्स, 1 आर्म डंबल प्रीचर कल कर रहे हैं, 4 सेट्स 12 रेपिटेशन। तो आपको तरीका दिख रहा है, पूरा नीचे हाथ को एकदम सीधा नहीं करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट रखना है बिल्कुल, और स्क्वीज़ करना है ऊपर आके। क्या कह रहे हो, बाइसेप्स बहुत अच्छा दिख रहा है। अब अच्छा दिख रहा है तो लोग, वही बात है, जब तगड़ा दिखता और अच्छा दिखता, स्टेरॉइड्स बॉडी, मेहनत किसी को नहीं दिखती दोस्तों, सबको बस गोली दिखती है। कमाल है ना। चलो छोड़ो, आप बाइसेप्स पर ध्यान दो। अब सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं हम आपकी बारबेल कर्ल, 4 सेट्स 12 टू 10 रेपिटेशन, आप 10 करें क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी आ गई, 10 रेपिटेशन करें, 4 सेट्स 10 रेपिटेशन, ऊपर जाके ब्रीद आउट और मसल को स्क्वीज, ग्रिप बिल्कुल टाइट। क्या कह रहे हो, नसें बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, अब वो खून में उबाल ही इतना पंगाल के। अब साइड से देखें आप, सीटेड डंबल कर, 4 सेट्स 12 रेपिटेशन, बिल्कुल स्लो करेंगे, वेट उतना लेंगे जो आपसे अच्छी तरह लिफ्ट हो जाए, जर्किंग बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि जर्क करने का मतलब है टाइम वेस्ट, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें अच्छी बॉडी बनानी है। खड़े हैं दोस्तों, लेकिन खा रहे हैं तो क्या करें, साथ में खड़े भी तो हैं, तो बिल्कुल स्लो करना है आपको। आप कर रहे हैं हैमर कर्ल, आपकी 4th एक्सरसाइज है, 5 सेट्स हैं 10 रेपिटेशन है, दोनों को एक साथ करें, वेट थोड़ा कम ले लें, उससे ये होता है जब हम एक हाथ का वर्कआउट करते हैं तो दूसरे को रेस्ट मिल जाता है, दोनों को साथ करेंगे तो अच्छा आपका वर्कआउट होता है और मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब लास्ट में जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसमें हैमर के बाद, वो है रिस्ट का वर्कआउट।
लेकिन ये बार बार पूरे पेट हर जिम में है, तो हमें इजी डे में अच्छी बॉडी मेंटेन करनी है, क्योंकि फैट टू फिट सीरीज है 60 डेज, और इसके बाद वर्कआउट कंप्लीट कर रहे हैं। एप्स का वर्कआउट था वो आप वीडियो वन में देख रहे हैं, डे वन में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, फिर आप लोगों के पास टाइम कम होता है, तो आप काट के देखें वीडियो को, प्लीज कट करके ना देखें, पूरी वीडियो को देखें, टाइम निकालें, क्योंकि फिटनेस ही लाइफ है, आपको फिट रहना है, इसीलिए इतनी मेहनत हो रही है पंगाल फिटनेस पे, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लास्ट एक्सरसाइज मैं दिखा देता हूँ, और एप्स का वर्कआउट डे वन में से देख लें, अब सेम वर्कआउट है 21 डेज तक, सेम वर्कआउट सेम डाइट, उसके बाद चेंज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके सप्लीमेंट्स ट्राई करेंगे आपके, और काफ़ी कंपनीज को लेंगे, रेट भी देखेंगे और प्रोडक्ट भी अच्छे लेंगे, जैसे आपको सूटेबल हो मैं सारा बता दूंगा आपको। और देखने तरीका आपको ये ऊपर आके वाट स्क्वीज मसल को ये स्क्वीज कम ऑन आपका कंप्लीट हो चुका है डे वन, डे टू, डे थ्री एंड डे फोर। तो आज मैंने तीनों दिनों की एक्सरसाइज करके दिखाई है, आपको एक ही दिन की करनी है। वर्कआउट शेड्यूल मैं आपको पहले दे चुका हूँ, डाइट पहले दे चुका हूँ, हाँ क्लियर इमेज नहीं थी, इस वीडियो में क्लियर है आपकी डाइट भी और आपका शेड्यूल भी, वेज नॉन वेज दोनों डाइट है, जो जैसा फॉलो करना चाहे। और ये वर्कआउट करने का बस रीज़न यही था कि आप लोगों का पोस्चर चेक हो जाए, अच्छी पोजीशन से वर्कआउट करें और फिट हो जाएं, क्योंकि कोई इंजरी हो जाएगी तो बहुत दुख होता है बाद में कि इंजरी हो गई, और आपको फिट होना है। फैट टू फिट सीरीज़ है, 60 डेज सिर्फ आप लोगों के लिए है ये, तो अच्छा वर्कआउट करना, और हर तीसरे दिन वीडियो आएगी। अब जो वीडियो आएगी उसमें सप्लीमेंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने कहा 3-4 कंपनियों को लेकर चलेंगे, आपको जो सूटेबल आप ऐड कर लेना उसको, किसी एक कंपनी का प्रमोशन नहीं चलेगा। बहुत प्यार करता हूं मैं आप सबसे, और आप भी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो सीरीज़ आती रहेगी आपकी, और आप फिट हो जाएं और मैं भी फिट हो रहा हूं, फिर एक दूसरे की पिक देखेंगे लास्ट में। ओके, तो चलिए, बाय, लव यू।